जय शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हम आपके साथ साझा हुए एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हमें YouTube से हमारी पहली पेमेंट मिल गई है आपके इतने प्यार से। तो आप सबको लव यू अट्रैक्ट करके क्यों? हाँ जी, ये सब मुमकिन हुआ है आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही बनाए रखें तो हम बहुत खुश हैं। हमारा 2018 से ये सब कुछ शुरू हुआ था YouTube पे, जो कि आज सक्सेस हुआ है वो आप सबके प्यार से हुआ है ये सब। क्योंकि जब ये सफ़र शुरू हुआ तो बीच में बहुत कुछ सुना है, बहुतों ने बहुत कुछ बोला है, क्या बोलते हैं? नहीं, ये YouTube प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जब तक इसमें सक्सेस ना हो जाओ तब तक आपको उपहास का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो आपके घर वाले हो, आपके पड़ोसी हो, या आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, दोस्त हो, जो भी होगा, पहले ही उपहास का सामना करना पड़ता है। क्या लगे रहते हो, पर हमने इसको आज तक वो नहीं समझा कि हाँ चलो गलत बात है, छोड़ो, जो करना है हमने तो करना ही था अपने दिल का, क्यों? हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसलिए जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ तो उस चीज़ को पकड़े रखो, उस चीज़ पे काम करते रहो तब तक जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले या उस चीज़ में आपको कामयाबी ना मिले। चाहे आपको कोई कितना भी रोके टोके, मजाक बनाए, जो भी है, लेकिन आप अपना जो भी है, जो भी फील्ड है आपकी, ज़रूरी नहीं यूट्यूब, बाकी भी जो भी आपकी फील्ड है उसमें डटे रहिए। और इसमें तो हमें ये रहा कि हमारी फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मैं आज तक ऐसे नहीं बोला कि वीडियो मत बनाओ, ऐसे होता था कि हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तो उनको भी लगता था क्योंकि उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत गैप है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ों से पैसा नहीं कमाया जा सकता है और ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और एक्चुअली हमें भी लगता था वैसे, क्योंकि एक टाइम था कि जब मोनेटाइजेशन से पहले इस टास्क को पूरा करना एक सपना लगता था, पर आप सबके प्यार से वो सब कुछ पूरा हुआ और मोनेटाइज हुआ, उसके बाद हमें आज पहली पेमेंट मिली है। तो आप सबका थैंक यू सो मच, ऐसे हमारा सा सपोर्ट बनाए रहें, हमारा सपोर्ट बनाए रखें। क्या हो रहा है आपको? एक्साइटेड। हाँ जी, तो जैसे हमारी फैमिली है बहुत ही सपोर्टिव है, वो कभी मना नहीं करते हमें वीडियोस बनाने के लिए। तो ये हमें हमारा प्लस पॉइंट है, घर वाले हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। तो जैसे पापा हैं, पापा कभी वीडियोस के लिए मना नहीं करते, लेकिन हाँ उनका हमेशा ये रहता है कि आप स्टडी पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। देखा जाए तो घर वाले भी काफ़ी हद तक सही बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो मस्ट है आज के टाइम। तो जैसे कि जॉब ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का ये तो ये है कि आप हॉलीडेज भी लोगे तो आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में ये सब नहीं होता है। लेकिन घर वालों को नहीं पता कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं कहाँ पहुँची? पापा ना चल गया था। पापा मतलब अब जैसे हमारी पेमेंट आ चुकी है तो पापा खुश हो गए कि हम, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से उनको लारा लगा के रखा हुआ था कि पापा पैसे मिलेंगे, पापा पैसे मिलेंगे। पापा बोलते थे कहाँ हैं तुम लोगों के पैसे। तो फाइनली अब हमारी पेमेंट आ चुकी है तो पापा भी खुश हैं। वो बोलते हैं कि हाँ खुश हो गए फैमिली वाले। हाँ जी, तो अभी पापा बोलते हैं कि हाँ अच्छी बात है, करो इस तरफ, इस फील्ड में काम करो। तो अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब वो भी हमें थोड़ा बूस्टअप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पापा को भी मिलाएंगे आपको इस ब्लॉग में कि उनका क्या कहना है हमारे इस सफर पे। हाँ जी, जो भी आप कंटिन्यू देखने को मिलेगा हमारे और से और ब्लॉग आएंगे। तो मैं पापा को मिलाता हूँ एक बार, आपसे बुलाता हूँ, पापा को मिलाता हूँ सबको। तो रोकते कि ना, बचाते धोते। तो मतलब जो पापा हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और मतलब वीडियोस में भी काफ़ी बोलते कि हाँ बनाओ ये सब, तो अच्छा लगता है। मतलब एक बहू को और क्या चाहिए, है ना, कि इतने सपोर्टिव ससुराल वाले मिले हैं हर काम के लिए, मतलब है ना, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बाकी जो बाकी लोग हैं जो हमें कहते रहते थे कि वेल्ले कुछ भी करते रहते हैं, तो आई होप इस वीडियो के बाद उनका भी थोड़ा बंद हो जाएगा, टोंट वगैरह बंद हो जाएंगे। तो देखते हैं अब कैसी रहती है हमारी आगे यूट्यूब की जर्नी।
आपका प्यार और सपोर्ट रहा तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या बनता है हमारा। पापा ही तो हैं ना, तो अभी वेट करते हैं पापा का। पापा विशा ठीक है पापा जी। तो पापा जी कैसा लगा आज हमारी पेमेंट आ गई यूट्यूब से, तो आप भी खुश हैं कि नहीं? देखा पैसे के लिए तो सारे खुश होते हैं, पेमेंट तो आनी चाहिए कहीं से भी आए। हाँ जी, पहले बहुत सुनने को मिल रहा था ना सबसे कि भाई ये ऐसे ही लगे रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। आपको भी आपके कई दोस्तों ने बोला होगा कि ये क्या कर रहे होते हैं। बोला था पापा है? बोला था कई बोलते हैं भाई क्या है इसमें इसमें क्या है। तो हमें भी नहीं था पता भी पैसे मिलते हैं, घुमाओ आपने भी बनाने हैं अब लोग। मैं बना लूँगा ब्लॉग बनाने हैं क्या। अब इसके बाद क्या पता पापा भी अपना चैनल चला सकते हैं इसमें क्या है। तो पापा बोलो कुछ नहीं हमारे चैनल के बारे में बोलो। अच्छा, अच्छा। ठीक है आपका चैनल फले फूले आगे और व्यू पड़े आपको। अच्छा और लोग आपको अच्छे अच्छे कमेंट दें। अच्छा जी है आगे शेयर करें आपके ब्लॉग को बढ़ाएं। अब आप भी हैप्पी हैं? हैप्पी हैं, हम वीडियो बना सकते हैं आगे। हाँ। तो अभी हमने घर को निकलना है दादा दादी के पास, तो इसलिए थोड़ी जल्दी है। तो बस यही था हमारा एक्सपीरियंस, तो ब्लॉग को खत्म करें। थोड़ा सा कर देते हैं खत्म। हाँ जी, तो आज फैमिली भी खुश है हमारी सक्सेस। ओवरऑल बात इतनी सी है कि यूट्यूब पे मेहनत तो बहुत है, बहुत क्योंकि आपको अरे परे से काफ़ी सुनना भी पड़ता है। कोशिश करो कि सुन लो जितना चाहे तो सुन सकते पड़ता है। ऊपर से इसकी कंडीशन ऐसी है ना कि एक दो दिन जैसे आप चैनल नया शुरू करोगे तो आपको लगेगा व्यू अच्छे पड़ रहे हैं क्योंकि आप शेयर करते हो, हर कोई आपका चैनल देखता है। फिर धीरे 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 व्यू भी कम पड़ते हैं, देखते भी कम है। ये तो किस्मत का है कि कब ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होती है, वो किसी का कुछ पता नहीं है। जैसे कि आप सभी ने हमें प्यार दिया, वैसे बाकियों को भी दिया करें। क्या बोलते हो? मैं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ अगर आप स्टार्ट करते हो या आपका चैनल है तो जितना टॉलरेट कर सकते हो करो, क्योंकि टाइम जो टाइम है ना वो आपकी तरफ से वो जवाब देगा। सीधी सी बात है, इसलिए आप खुद बहस करके या उनको समझा के, जो आपके हेटर हैं या जो भी हैं आपको बोलते हैं उनको समझा के कुछ नहीं मिलेगा। अगर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस फील्ड में ना, उनको उनका जवाब मिल जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी जो है ना वीडियोस बनाने पे वेस्ट करो रेदर देन उनको जवाब देने अच्छे में। से अच्छे बनाओ उनका मत सोचो। हाँ जी, तो अभी आज हम बहुत 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 खुश हैं और ऊपर से हमें ये खुशी है कि हमारा चैनल लगभग ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड में देखते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर हमारे हिमाचल लोग हैं और बाहर से भी जो व्यूवर देखते हैं उनको भी लव यू है सबको। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लव यू सबको, के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों का, प्यार है आपको ट्रक भर के, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग। और कमेंट बॉक्स में भी जो बोलते हैं मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं हमें, कभी भी बाजार में आए हो बंजराड़ू में या घर पे। हाँ जी, नहीं वो हमें मिले थे, हम देवकोटी मंदिर गए थे तो हम चंबा से थे, वो मिले थे तो मतलब हम भी थोड़े शर्मा गए थे, हम अच्छे से बात नहीं कर पाए उनसे। तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मतलब हमने की थी वैसे बात पर उतने अच्छे से नहीं हो पाई जैसी करनी चाहिए थी, तो उनको सॉरी। हम आगे कभी मिलेंगे तो हम पक्का बात करेंगे और व्लॉग भी बनाएंगे। तो करते थे इस व्लॉग को यही पे एंड। हाँ जी, तो बाय बाय सबको, कीप सपोर्टिंग। हाँ जी, और चैनल को प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर करो, जल्दी से जल्दी 10K से अप करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।